हेलो दोस्तों, रॉक फिशिंग चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। फिश खाने के फ़ायदे और नुकसान। मछली हमारे देश में खाए जाने वाली सबसे प्रचलित मांसाहारी खाद्यों में से है। इसके सेवन से स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसका कारण है मछली में पाए जाने वाले अनेकों पोषक तत्व। मछली के सेवन से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसमें कई प्रकार के जरूरी तत्व मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और ओमेगा 3। फैटी एसिड आमतौर पर तो इसे पूरे देश में खाया जाता है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के किया जाता है। मछली बंगाली लोगों का खास व्यंजन है। कहा जाता है मछली से न केवल शरीर को बल्कि दिमाग को भी भरपूर पोषण मिलता है। तो आइए आपको मछली खाने के फायदे और नुकसान के बारे में बताते हैं। बालों के लिए, अगर आप अच्छे बाल पाना चाहते हैं तो मछली का सेवन शुरू कर दें। यकीन मानिए, जो लोग मछली का सेवन करते हैं उनके बाल बहुत घने और मजबूत होते हैं। मछली में ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो बालों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मछली के सेवन से फायदे करना चाहते हैं तो उसे तलने के बजाय उबालकर खाने की कोशिश करें। कैंसर से बचाव। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। ये न केवल बालों के लिए फायदेमंद होता है बल्कि कैंसर जैसे रोगों को भी शरीर से दूर रखने में सहायक है। महिलाओं को तो इसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना दूर होती है। उच्च रक्तचाप में, यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आपको मछली खाना चाहिए। इससे हाई बीपी कम होता है। मछली का सेवन कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, इससे दिल और उसकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। यदि आप दिल के रोगों से दूर रखना चाहते हैं तो मछली को अपने भोजन में शामिल करें। दिमाग को तेज बनाता है। मछली में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिससे आपका दिमाग तेज होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन्स नई कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक है। वहीं इसमें मौजूद फैटी एसिड याददाश्त को बढ़ाता है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी है उन्हें तो नियमित रूप से मछली का सेवन करना चाहिए। आँखों के लिए, आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम होने पर दृष्टि दोष या आँखों की अन्य समस्याएँ होती हैं। मछली का सेवन करने से शरीर में ओमेगा 3 की पूर्ति होती है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए आँखों की बेहतरी के लिए मछली सबसे अच्छा विकल्प है। एंटी एजिंग के लिए, सेहत के साथ साथ सौंदर्य के लिए भी मछली बहुत फ़ायदेमंद है। इसे खाने वाले व्यक्ति को झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती, इसलिए यदि आप लंबे समय तक शरीर से जवान और तंदुरुस्त दिखना चाहते हैं तो आपको मछली का नियमित सेवन करना चाहिए। दिल के दौरे से बचाव, यदि आप मछली खाते हैं तो यह हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करती है, इसलिए इसका सेवन रोज़ करना चाहिए। एक शोध में ये पाया गया है कि जो पुरुष अपने आहार में मछली को भी शामिल करते हैं उनके शुक्राणु भी स्वस्थ और सक्रिय होते हैं। अवसाद कम करें, मछली का नियमित सेवन आपके अवसाद को भी कम करने का काम करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें मछली का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद ओमेगा 3 अवसाद को कम करता है। मछली खाने के नुकसान, किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कोशिश करें कि खेती वाली सेलमन के बजाय जंगली सेलमन ही खरीदें। गर्भवती महिलाओं, नर्सिंग माताओं और गर्भधारण करना चाह रही महिलाओं की मिथाइल मरकरी युक्त मछली को खाना सीमित करना चाहिए। अक्सर मछली के बाद दूध पीने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे त्वचा पर सफ़ेद चिकत्ते या धब्बे हो सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मसालेदार मछली खाने के बाद दूध पीने से पाचन संबंधी समस्या होने की भी आशंका होती है। कुछ लोग मछली के साथ दही के सेवन को भी सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं। मछली खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसकी सलाह डॉक्टर भी देते हैं, परंतु फिश खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए यह हम आपको को पता नहीं होता। मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। मछली के अंदर प्रोटीन, आयरन, विटामिन D3, विटामिन B12, ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मछली खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए जानना बहुत ही आवश्यक है। मछली खाने के बाद दूध, दही, आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी, पनीर और दूध से बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D3, सेलमन, एनकविज, सार्डिनेज, DHA। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।